हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F12 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में, और कुछ अमेजिंग फीचर के बारे में जानेंगे जिन्हें आप डेली चेकआउट करते हैं उन्हें आप कैसे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपकी जो अपनी होम स्क्रीन डिस्प्ले है आपको सबसे पहले इस पर लॉन्ग प्रेस करके रख लेना है। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है, ये वाले वॉलपेपर थीम्स विजिट होम स्क्रीन सेटिंग। तो यहाँ से आपको अगर वॉलपेपर चेंज करने हैं तो अपने तो यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं अपने जो भी आपको यूज करने हैं। माई वॉलपेपर पर जाएंगे और यहाँ आपको वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनमें से जो भी आपको यूज करना हो कोई से जो आपको पसंद हो उसे आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। यहीं से अब आपको वापस आना है, उसके बाद यहाँ आपको अगर थीम मिल जाती है थीम आपके लिए जब यहाँ आपको मिल जाता है, लेकिन हमारे में बता रहा है नो नेटवर्क क्योंकि हमारे फ़ोन में यहीं सिम कार्ड नहीं पड़ा हुआ है। आपके जब सिम कार्ड आप डाल लेंगे तो आपके नेटवर्क होगा तो आपके फ़ोन में आपको यहाँ थीम देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन पे विजिट कस्टमाइज करके यूज करने हैं तो यहाँ आपको विजिट का ऑप्शन मिल जाता है, या आपको बहुत सारे विजिट देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि कैलेंडर है, क्रोम है, क्लॉक है, और कॉन्टैक्ट में और बहुत सारे मिल जाते हैं जो आपको देखने मिल जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से कोई भी आपको जो पसंद हो उन्हें आप कस्टमाइज करके अपने डिस्प्ले पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से आपको करके बता दें, ये वाली क्लॉक हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से आपको क्लॉक में देख रहे हैं ये चार प्रकार की क्लॉक देखने को मिल जाते हैं। अब जो आपको पसंद हो उसे आप अपनी स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, या जहाँ भी आपको पसंद हो वहाँ ले जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर हमारी क्लॉक अप्लाई हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसे अगर रिमूव कराना चाहते हैं यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन, यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर ये विजिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको और ऑप्शन मिल देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन सेटिंग। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं यहाँ आपको ऑप्शन मिल देखो मिल जाता है होम स्क्रीन सेटिंग, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है होम स्क्रीन लेआउट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल जाती हैं, एक तो होम एंड एप्स स्क्रीन्स जो आपको हमारा अप्लाई है, यहाँ आपको अब मिल जाता है होम स्क्रीन ओनली, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें से आपको जो भी पसंद हो उसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है होम स्क्रीन ग्रिड जो कि 4:6 हो रखा है, सॉरी 4:5, यहाँ से आप इसे जो भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। कुछ आपको सैम्पल देखने के लिए मिल जाते हैं, 4:6 करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है आपको, 5:5 करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपको। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है 4:5, इसे ज़रूर से आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं या यहाँ से इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ से हम और बैक आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है ऐप्स बटन, यहाँ से आपको ऐप्स बटन देखने को मिल जाता है अपनी होम स्क्रीन पे, इसे इनेबल कर देंगे तब। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स आइकॉन विजिट मिल जाता है जिसे आपको पहले से इनेबल हो, अगर आपको बाई डिफॉल्ट ऑफ हो तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, अगर आप अपनी होम स्क्रीन का लेआउट लॉक करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकती हैं, यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे आपकी होम स्क्रीन का जो लेआउट है वो लॉक हो जाता है। नीचे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं ऐड ऐप्स होम स्क्रीन, इसे इनेबल करने से आप अपनी स्क्रीन पर और भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको और ऑप्शन मिल जाता है स्वेप डाउन फ्रॉम नोटिफिकेशन पैनल, इसे इनेबल करने से आपको जो नोटिफिकेशन पैनल है उसे आप नीचे के लिए स्वेप डाउन करके यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज करके और भी कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ओटे टू लैंडस्केप मोड, यहाँ से आप इसे लैंडस्केप मोड में मोड करा सकते हैं इसे इनेबल करके। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे ऐप्स हाइड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को हाइड करा सकते हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन हाइड करना हो, जैसे कि यहाँ से हम ले लेते हैं अपना, जैसे हमने एक फेसबुक ले लिया, और जो आप अपनी एप्लीकेशन हाइड करेंगे वो यहाँ आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं हिडन ऐप में। और ले लेते हैं हम अपने कुछ एप्लीकेशन, जैसे हमने एक अपने ये जीमेल ले लिया है और गूगल ले लिया है, ये तीन एप्लीकेशन हमने ले लिए हैं जिन्हें हम कर देते हैं डन। अभी ये जो हमने हाइड किए हैं वो आपकी अपनी होम स्क्रीन पर आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से आप आ जाएंगे अपने ऐप में चले जाएंगे, यहाँ से आपको ये देखने के लिए नहीं मिलते हैं यहाँ पर। तो अब बात आती है हमने जो अपने एप्लीकेशन हाइड किए हैं उन्हें आपको वापस से अनहाइड करना है तो कैसे करें, तो उसके लिए आपको वापस से वहीं जाना है होम स्क्रीन सेटिंग में चले जाएंगे आप। जैसे आप होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे यहाँ से आपको होम स्क्रीन सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है,
इसमें डायरेक्ट आप सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ से आपको जो अपने हाइट की है वो आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे ने इस प्रकार से रेड कलर का चिन्ह दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सारे एप्लीकेशन आपके हो जाते हैं अनहाइड, डन कर देंगे। और यहाँ से आप बैक आ जाएंगे और अब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं ये तीनों एप्लीकेशन जो हमने हाइड किए थे। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं सेटिंग में, जहाँ आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में सबसे पहले आपको ऑप्शन दो मिल जाता है कनेक्शन, जो कि वाईफाई है, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप कनेक्शन हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। इससे नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप अपनी रिंगटोन चेंज करा सकते हैं, नोटिफिकेशन साउंड को कस्टमाइज करके यूज करा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। वाइब्रेट बेल रिंग, इसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है सजेशन, नोटिफिकेशन, एक्शन एंड रिप्लाइज, जो आपके सर्वर। नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है स्टेटस बार, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री मोस्ट रिसेंट, जो आपकी थ्री मोस्ट की रिसेंट नोटिफिकेशन होती है वो आपको शो हो रही होती हैं। अगर आप आल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको आल सारी नोटिफिकेशन शो होंगी। अगर आप नंबर ऑफ नोटिफिकेशन पर शो कर देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन है। तो इस प्रकार से आपको जो पसंद हो उसे यूज कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है शो बैटरी परसेंटेज, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो हो रही है। इसे ऑफ कर देंगे आपकी बैटरी परसेंटेज शो होना बंद हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं 37% बैटरी है हमारे फ़ोन के अंदर। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज भी शो करा सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है डिस्प्ले, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको ऑप्शन दो मिल जाता है डार्क मोड, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और आपका फ़ोन आ जाता है डार्क मोड में। नीचे आपको यहाँ से देख सकते हैं आप डार्क मोड सेटिंग मिलती है, जिसमें जाके आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं, किस टाइम से किस टाइम ऑटोमेटिक आपका ऑन ऑफ होता रहेगा। यहाँ से आप इसे शेड्यूल करके यूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और यहीं से आपको वन टच में आपका फ़ोन आ जाता है लाइट मोड में। उसके बाद यहाँ आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसे आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। एडेप्टिव ब्राइटनेस मिल जाती है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं इसे। नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है ब्लू लाइट फिल्टर, इसे आप जब रात में अपना फ़ोन यूज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये फीचर। इसे ज़रूर से चेकआउट करें जब आप रात में अपना फ़ोन यूज करते हैं, तो आपके लिए काम करता है आपके लिए। हम इसे ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट को साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हमारे फॉन्ट, इसे हम नॉर्मल कर देते हैं। अब बात आती है हमारे फॉन्ट स्टाइल की, फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हमारा डिफिकल्ट हो रखा है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है बोल्ड फॉन्ट, इसे इनेबल कर देंगे आपके फॉन्ट बोल्ड हो जाते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है स्क्रीन जूम, इस पर क्लिक करके आपको अपनी स्क्रीन के जो जूम करा सकते हैं, जो भी अपने देख सकते हैं आप, यहाँ से आपकी फुल हो जाती है। अगर आपको कम करनी है तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ से कम कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं उतने पर रख के। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये स्क्रीन जूम के बाद फुल स्क्रीन ऐप्स मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इससे जो अपनी एप्लीकेशन मिल जाते हैं फुल स्क्रीन करने के लिए, जो भी आपको करनी हो, जिसमें आपके नॉच एरिया ऑफ हो जाता है। यहाँ से हम बैक चलते हैं, स्क्रीन जूम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे कम कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने इसे कम कर दिया। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये होम स्क्रीन जो कि हमने आपको बताई दी पहले ही। नीचे आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है नेविगेशन बार, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है अपने नेविगेशन बार को हाइड करा सकते हैं, ये वाले बटन होते हैं आप, हम हाइड करा सकते हैं। सिंपली हम स्वाइप अप जस्टर पर क्लिक करेंगे और आपके बटन हाइड हो जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगर आपको बैक करना हो तो कहाँ से करेंगे, तो आपको इस साइड से स्वाइप करेंगे तो आप बैक आ जाते हैं। अगर आपको बटन वापस से चाहिए तो हम फिर से बटन पर क्लिक करेंगे और आपके बटन वापस आ जाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये बटन लेफ्ट राइट कराना है तो इस पर क्लिक करके आप अपने बटन को लेफ्ट राइट करा सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको पसंद हो उन्हें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आए हैं, आपको ऑप्शन दो मिल जाते हैं वॉलपेपर, वॉलपेपर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको वॉलपेपर चेंज करने हो आप अपने फ़ोन में, यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है थीम्स, लेकिन थीम्स हम आपका जब काम करेगा, आपके अपने फ़ोन में सिम कार्ड पड़ी हुई, नेटवर्क अवेलेबल हो तो आपका ओपन होगा। यहाँ से हम अभी ओपन करेंगे तो आपका फ़ोन ओपन नहीं होगा, ट्राई अगेन बोल देगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है लॉक स्क्रीन, यहाँ पे आप अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन जाके लॉक लगा सकती है, जिस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। लॉक स्क्रीन और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बारे में हमने दोनों वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकती हैं।
नीचे आपको ऑप्शन देखो मिल जाती हैं अकाउंट एंड बैकअप। जो आपको अकाउंट होता है बैकअप होता है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है बैकअप एंड रिस्टोर करने की तो आप यहाँ से इसे कर सकती हैं। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है एडवांस फीचर। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट पॉपअप व्यू। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं स्मार्ट पॉपअप व्यू देखने के लिए। जिसका भी आपको देखना हो वहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं इसे इनेबल करके। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है स्क्रीनशॉट। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट टूल बार ओपन है हमारा। हाइड हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार को अपने हाइड कराना चाहें तो यहाँ से आप इसे हाइड करा सकती हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट शेयर स्क्रीनशॉट। इसे इनेबल करने से क्या, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया और इसे कहीं शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद जो आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट है वो आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। आप इन्हें चाहें तो यूज कर सकती हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाती है मोशन एंड जेस्चर। इस पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करें यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू वेक। इससे क्या होता है, डबल टैप टू वेक करेंगे तो यहाँ से आपको फ़ोन जैसे ऑफ रखा हो आप उस पर डबल टैप करेंगे आपकी लाइट ऑन हो जाती है, इससे आप ऑफ हो जाती है। यहाँ आपको और ऊपर ऑप्शन मिल जाता है लिफ्ट टू वेक। इससे क्या होता है, जैसे आपको फ़ोन कहीं टेबल पर रखा है और आप उसे अचानक उठाते हैं तो आपको बिना कोई बटन दबाए बिना कहीं टच करे हुए आपके फ़ोन की जो लाइट है ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट स्टे, इसे भी आप इनेबल कर सकती हैं। नीचे आपको और ऑप्शन देखने मिल जाते हैं स्मार्ट अलर्ट जो हमारा पहले से ही ऑन है। नीचे आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है फिंगर सेंसर जेस्चर, इससे भी आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो फिंगर से जो सेंसर है वो सारे आपके काम करने लगती हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है वन हैंड मोड। अगर आपको अपना फ़ोन वन हैंड मोड पे जाके यूज करना हो तो कैसे करें, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसे इनेबल करेंगे, अब आपको ऑन हो जाता है। यहाँ से आपको वन हैंड मोड करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं जेस्चर या बटन, जैसे भी आपको करना हो। तो हमें फ़िलहाल आपको जेस्चर से करके बता देते हैं इस प्रकार से। सॉरी बैक हो गया, तो यहाँ से हम फिर से वहीं आते हैं और इस प्रकार से आप इसे स्वाइप कर सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन आ गया वन हैंड मोड पे। अब आपको जो भी कुछ करना है आप वन हैंड मोड पे करके यूज कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो आप बैक आ जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन वन हैंड मोड पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये फुल हैंड मोड पे करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसे ऑफ कर देंगे, आपको फ़ोन आ जाता है फुल हैंड मोड पे। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड यूज कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है गेम लॉन्चर, जो आपका वाइट वर्ल्ड ऑफ हो तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको डुअल मैसेंजर। इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन का क्लोन ऐप बना सकते हैं, लेकिन आप केवल उन्हीं का क्लोन ऐप बना सकते हैं जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इसमें हमारे फ़ोन में दो एप्लीकेशन आपको अवेलेबल है, जैसे स्नैपचैट और फेसबुक। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सपोर्टेड एप्स विल अपेयर हेयर आफ्टर यू इंस्टॉल दैम। जब आप एप्लीकेशन और इंस्टॉल कर लेते हैं आपके फ़ोन में तो जो आपके लिए अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। डुअल ऐप बना लीजिए, जो अवेलेबल नहीं होंगे वो आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलते और उनका आप बना भी नहीं सकते। तो आपको जो केवल शो होंगे उन्हीं का आप डुअल ऐप बना के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम थोड़े से और बैक आ जाएंगे यहाँ से। उसके बाद अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपको और ऑप्शन देखने मिल जाते हैं जर्नल मैनेजमेंट। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करें यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज एंड इनपुट, अपनी भाषा को चेंज करा सकते हैं। डेट एंड टाइम मिल जाती है आपको, अगर आपको रीसेट करना हो तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है रीसेट करने का अपना फ़ोन। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, यहाँ से आप और नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपको और यहाँ आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाती है। इन फ्यूचर कभी आपके फ़ोन में अपडेट आती है तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है यूजर मैनुअल, यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है अबाउट फ़ोन। इसमें जाने के बाद आप अपने फ़ोन के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब हमने जो कुछ अपने स्मार्ट फीचर ऑन किए थे जेस्चर, उन्हें आप हमसे चेकआउट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन अभी ऑफ है, इस पर डबल टैप करेंगे आपकी लाइट ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे हमारा फ़ोन ये कहीं रखा है और आप उसको इस प्रकार से उठाती हैं तो आपके फ़ोन के अंदर लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है। इस प्रकार से आप देख सकती हैं ये हमारे स्मार्ट जो जैसे हमने वेकअप यूज़ किए थे इनेबल किए थे वो आपके यहाँ से नहीं यूज कर सकती हैं। तो इस प्रकार से गाइज ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लिए वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।